इधर से आप देख सकते हैं सामने विसापुर है, विसापुर में नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी फॉग है। एंड इधर से मुझे लोहागढ़ और 727 में जाना है। मुझे एक भाई ने लिफ्ट दिया था बीच में, भाई 1.5 घंटे का रास्ता है, मत ट्राई करना चलने के लिए, ठीक है, मैं फंस गया आज। इधर म्यूजियम है, इसकी एंट्री फीस 100 रुपीज़ है, सो इधर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, एडमिशन फीस फॉर द फॉरेन विजिटर्स ओनली। राइट मेरे दोस्तों, तो कैसे आप लोग, सो आप लोग एंट्री कर रहे हैं लोहागढ़ से, बंदरों से रहना सावधान, टाइम है 9 AM to 5 PM और उसके बाद में बंद हो जाता है किला। तो ट्रैक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इधर दे दूंगा। सो इधर एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, सैटरडे संडे के लिए लोहागढ़ फोर्ट बंद रहेगा सारे टूरिस्ट के लिए। सो टूरिस्ट 3 बजे के बाद इधर आ नहीं पाएंगे। इन आउट का साइन है, जो रेट्स है मैं डिस्कस करूँगा और जो भी प्रिकॉशंस है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इधर से आप अंदर आते हैं, इन एंड आउट। इधर कुछ चीज़ें का याद रखना है, ड्रोन शॉट्स अवेलेबल नहीं है, स्मोकिंग नहीं कर सकते आप, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और विंचू कड़ा, जो उस चीज़ को स्कॉर्पियन टेल बोलते हैं, जो सबसे पॉपुलर चीज़ है, वो बंद है बारिश के मौसम में। सो इट्स लाइक 4 महीने तक विंचू कड़ा बंद रहता है बारिश के मौसम में, एंड बारिश का मौसम जब भी ख़त्म हो जाता है जब भी चालू हो जाता है, बस वही। एंड इसका यह टिकट है आप देख सकते हैं, एकदम पॉपुलर टिकट, 25 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ फॉर AC समथिंग, 20 रुपीज़ फॉर एंट्री फीस एंड AC 5 रुपीज़। और ये इसका प्रॉपर एकदम रिसिप्ट है। सो आज हम लोग हैं लोहागढ़ की तरफ और इधर के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाराष्ट्र का किला हो जाती है और जान जाने का खतरा है, इसलिए कोई चांस लेना नहीं चाहता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखना है, इधर लिखा है सावधान, सो इसके इधर से मत जाइए, स्टेप्स यूज़ कीजिए, इधर लिखा है यूज़ द स्टेप्स, सो 20 केयरफुल। एंड ख़ास तौर पे खाना अपने साथ कैरी मत कीजिए। एक जगह मैं आपको बताऊंगा, नीचे जाके आपको एक भाई से मिलाऊंगा जो सिर्फ 10 रुपीज़ में आपके बैग हेलमेट और सब चीज़ें रख सकता है, एक चीज़ का वो 10 रुपया लेता है, बस वही। सो चलते हैं सफ़र की तरफ। ये जो पहाड़ है लोहागढ़, इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज इधर अपने जो चीज़ें थी, जैसे पर्ल्स थी, गोल्ड थे, डायमंड्स थे वो टाइम पे, तो वो सब चीज़ें इधर रखते थे। ये पहाड़ को डिफीट करना बहुत टफ था टेक्निकली। एंड नज़ारे आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से देख नहीं पा रहे। फॉग ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कुछ हम लोग देख नहीं पा रहे, बट दिस प्लेस इज ऑसम। महाराज ने ये जगह 1 साल में जीते थे और उसके बाद में कुछ रीजंस की वजह से ये फोर्ट उनके हाथ से निकल गया था। एंड उसके बाद उन्होंने ये फोर्ट को वापस कैप्चर। सो गाइस मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ, ऊपर से आपको समझाता हूँ ये कैसा फोर्ट है। ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट है। सो मैं आपको ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली इधर क्या हुआ था और ये फोर्ट को कैसे कोई जीत नहीं पाया। बहुत सारी डायनेस्टी, मुगल्स, महाराज, उनके पहले भी जो थी डायनेस्टी ने कोशिश की थी ये जगह को जीतने के लिए और वो सफल हुए थे। ये फोर्ट बहुत ही बेहतरीन है, इधर ट्रेजर रखा जाता था जिसमें ऑर्नामेंट्स थे, उसके बाद में गोल्ड था, फिर जो उधर की ज्वेलरी रहेंगी, पर्ल्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इधर रखी जाती थी। सो बस थोड़ा ऊपर चलते हैं। सो गाइस ये गेट को बोलते हैं गणेश गेट, इसको गणेश दरवाज़ा भी बोलते हैं। एंड इधर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्कल्पचर्स किया हुआ है बप्पा के, बस भाई। एंड मैं इसके बारे में बात कर रहा था, मैं थोड़ा ऊपर चल के आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सो ये जो डोर्स है ये वुडन का। सो गाइस ये जो चीज़ आप देख सकते हैं इसमें जो महाराज के सिपाही रहते थे, जो इधर पैरा देते थे, तो वो इधर रहते थे, थोड़ा आराम करते थे गेट के पास।
और जब हम आगे बढ़ेंगे सो इधर हम लोग को मिलते हैं कैनन्स, जिसको हम बोलते हैं टोप। जस्ट लाइक इधर लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट सिट ऑन द कैनन, मॉन्यूमेंट की इज्जत कीजिए, इस पर बैठिए मत, इस पर लिखिए मत, ऐसा कुछ कीजिए मत। जो कचरा फेंके ऐसा कुछ करे उनको समझाइए ये किले की क्या कहानी है, ये किला कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बस वही सुविधा चल रहा है, थोड़ा सा फोटो शूट, मैंने नहीं जानता हो, एंड फिर हमें और ऊपर जाना है इधर। सो मैं इधर से आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, तो चलते हैं थोड़ा आगे। सो आई थिंक जो इधर CCTV कैमराज है, आप कुछ भी हरकत करते तो आप कैप्चर में हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ मत कीजिए। और ये जोन है जो इधर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के बता देता हूँ मैं, लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लैंडस्लाइड्स एंड बोल्डर्स हियर, हाउएवर द टूरिस्ट शुड नॉट स्टे ऑन द स्टेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर गोइंग टू द फोर्ट। सो इधर कहा गया है कि इधर कुछ भी ऊपर से गिर सकता है एंड आपको चोट लग सकती है। सो जो टूरिस्ट है, जो हमारे लिए ये कहा गया है कि ये सीढ़ियों पर ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, इट वुड बी डेंजरस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, काफ़ी लोग आने की वजह से मैं भरोसे शूट नहीं कर पा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहा हूँ। ये जो आगे सामने आप देख रहे हैं, तो मैं ऊपर से आपको दिखाने की बात कर रहा था। अभी कब कभी भी आते हैं चढ़ते किले पे, तो आपको ये सीधा सीधा नहीं किला दिख रहा है, ये आप सीधा आ रहे हैं फिर लेफ्ट जा रहा है, सीधा आ रहे हैं फिर राइट जा रहा है फिर लेफ्ट जा रहा है। सो इट्स लाइक अगर कोई बंदा इधर से एनीवे एंटर करने की ये पहाड़ में कोशिश करेगा, तो इधर से लोग कुछ भी फेंक सकते, यू नो, तीर के बाण मार सकते, उन पे गरम तेल डाला जा सकता है, गरम पानी डाल सकते हैं, या कुछ कैनॉन्स की टोपों की उन पे यू नो टोप उन पे डाली जा सकती है, यू नो वो बॉल्स, जिसकी वजह से इनको डैमेज हो जाए और ये लोग ऊपर ना ही कर पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो दरवाज़ा है, ये आप दरवाज़ा देख रहे थे, ये दरवाज़े पे जो ये नेल्स जैसी बड़ी बड़ी चीज़ है जो एकदम स्टील की है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इधर कभी कभार ये रेंजेस में हाथी भी घुसते थे और हाथी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते थे, तो जिसकी वजह से ऐसा होता था हाथी घुसे और तोड़े और उनको तकलीफ़ हो, तो वो हिसाब से ये नेल्स लगाई गई थी क्या वो दरवाज़ा डैमेज ना हो। तो बस गाइस ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहला दरवाज़ा बताया, दरवाज़े को काफ़ी लोग तोड़ देते थे हाथी को लेके आके, तो इसके लिए वो नेल्स लगाए गए थे कि वो दरवाज़ा टूटे ना। वो दरवाज़े के पीछे जो सिपाही रहते थे उधर वो विश्राम करते थे, वो जो मैंने आपको गैप दिखाया था। इसके पहले अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो नीचे उधर कैनन्स है, वो कैनन्स जिसको हम लोग टोप बोलते हैं उस पर आपको बैठना नहीं है, ठीक है। एक और इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया था, ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन्हीं से साइड का, तो इधर नॉर्मली लैंडस्लाइड या पत्थर बड़े बड़े ऊपर से गिर सकते हैं, क्योंकि ये यू नो ये पहाड़ पे बनाया गया है किला, तो ये हिसाब से आपको सीढ़ियों के पास ज़्यादा देर रहना नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन उधर बोर्ड में इंग्लिश एंड मराठी या हिंदी में लिखा होता, एंड इधर CCTV कैमराज है, आप कुछ भी हरकत करते तो आप पकड़े जाते। बस भाई सो मॉन्यूमेंट की रिस्पेक्ट कीजिए, ये जो पहाड़ है, ये जो फोर्ट है, इसका एक महत्व है, प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए और ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिए जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ़ हो और अथॉरिटीज़ को भी तकलीफ़ हो। बस भाई बाकी जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, और ये भी आप देख सकते हैं इधर यू नो इधर खिड़कियाँ बनी है, तो जैसा लोग नीचे पहरा देते होंगे वैसा ऊपर भी ये लोग पहरा देते होंगे। बस भाई सो अगर कोई कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। बस भाई सो हम लोग नीचे जाते हैं और देखते हैं और कुछ चीज़ें देखने मिलती है क्या। सो ये वो चीज़ है, और मैं लाइट मार रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, एक छोटा सा जैसा केव्स टाइप है। तो गाइस ये जो जगह है मेरे को फ्लैश लाइट मार के आपको बतानी पड़ रही है, इधर एक फर्स्ट विंडो है, इधर एक सेकेंड विंडो है, इधर एक थर्ड विंडो है। विंडो का व्यू देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये भी जल्दी देखेंगे, तो ये फॉग है, फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। इधर से आपको खंडाला दिखता था, खंडाला वो टाइम पे कुछ एक दूसरे नाम से जाने जाता था, वो एक ट्रेड रूट था। एंड ये साइड पे हम लोग जब भी जाएंगे तो इधर है पानी और फिर इधर से दिखता है कुछ नज़ारा नीचे का, तो इधर से अगर दुश्मन आपको आएगा तो आपको दिख जाएगा, और फिर आप उस पर कैनन बॉल्स, तीर के बाण, गर्म पानी, गर्म तेल डाल सकते हैं। तो ये सिपाही इधर पैरा देते थे, बस वही महाराज के लिए। तो गाइस मैं एक और चीज़ की बात कर रहा था, जब भी हम लोग ऊपर जाएंगे ये हम लोग सिर्फ फर्स्ट गेट कवर किए, जो नीचे था वो दरवाजे का नाम था गणेश गेट, इसको गणेश दरवाज़ा बोलते हैं। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे इधर से, लेकिन ऊपर जाने के पहले
फॉग ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। एक नीचे भी रास्ता है और नीचे रास्ता में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर भी हम लोग, मैं दिखाऊंगा आपको क्या है उधर। तो मैंने दूसरे ब्लॉगर्स को देखा था, वो लोग नीचे गए थे एंड हम लोग नीचे जाएंगे। इधर काम चलने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं, फॉग होने की वजह से हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे, नहीं गिर रहा नहीं कुछ। अब ये गैप में जाएंगे, ये गैप क्लोज होता है। 1100 बजे मेरे पीछे है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। जिधर से आप जो सिपाही थे वो पहरा देते थे बस वही। तो गाइस मैं इसकी बात कर रहा था, ये डोर से जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे मत गिरना और अपना हाथ मत तोड़ना, बस रिक्वेस्ट है। ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये साइड पे आपको एक गैप दिख रहा है, छोटा सा गैप, असल में एक आदमी घुस सकता है उतनी वो जगह है, गेट इट, एक आदमी घुस सकता है उतनी वो जगह है, वो थोड़ा सा आपको दिख रहा है उधर। उधर से एस्केप पॉइंट है, बंदा निकल सकता है। उधर भी बाजू में एक डोर है, वो आई डोंट नो क्या है, बट उसके बाजू में एस्केप पॉइंट है। फिर आपको एक नीचे पॉइंट दिख रहा है, ये नीचे, ये जो रास्ता है, ये रास्ते को आई डोंट नो ये लोग कैसा कवर करते रहेंगे, पर ये रास्ते के अंदर दो रूम से, एक रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन करने के लिए एक खड्डा दिया गया जिसमें हवा आर पार हो, और एक उसके बाजू में रूम है उसमें खड्डा नहीं है, लेकिन उसमें भी सिपाही छुप सकते हैं या अपना कुछ सामान ये लोग छुपा सकते हैं, बस वही। इसको शायद से ये लोग यू नो कोई चीज़ से ढक देते होंगे या कुछ ऐसा करे होंगे इन्होंने कि सिपाहियों को या दूसरे दुश्मनों को मालूम ना पड़े कि इसके नीचे क्या है। तो ये एग्जिट पॉइंट था जो मैंने आपको उधर दिखाया, उसके बाजू में ये देखिए, मैं नज़दीक से नहीं दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हैं इसके बाजू में गैप है, उधर एग्जिट पॉइंट है, और ये जो है ये सीक्रेट रूम है जिसमें वेंटिलेशन है बस। सो अभी हम लोग आस्ते आस्ते ऊपर चलेंगे और देखेंगे। तो गाइस काफ़ी फॉग की वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बट बहुत ही ब्यूटीफुल किला है। अनफॉर्चुनेटली फॉग्स की वजह से सब चीज़ें गायब हो जाती है बस वही। ये मेन एंट्रेंस था, मेन एंट्रेंस नहीं था वो, तो एक पहला दरवाज़ा गया, गणेश दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, एंड ये सेकेंड डोर है, और इसके बाद में जो आपको दिखा सकता ना मैं दिखाया हूँ, एंड यही वही जगह है कुछ, मे बी शायद से कुछ चीज़ें रखने के लिए होंगी, लालटेन या ऐसा कुछ जिसकी वजह से ब्राइटनेस रहे बस वही। अब हम आस्ते आस्ते ऊपर बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या देखने मिलता है, और किसी ने क्या खूब कहा था, जब भी बारिश होती है तब भी मज़ा ही कुछ होता है ये और जगह का। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं आपको और क्या दिखा पाऊँ बस गाइस। बारिश के टाइम पे रिकॉर्डिंग करना टफ जॉब होता है, पर फिर भी करना पड़ रहा है। एंड ये दरवाजे का नाम नहीं दिया गया है, बट इधर लायन जैसा कुछ लग रहा है, आई डोंट नो क्या है, लायन ही है या और कुछ है बस वही। और ये डोर है, ये पहला डोर दिखा है जिधर गेट्स अवेलेबल नहीं है। इधर क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, इधर ज़्यादा देर नहीं रहना है, तो मैं ज़्यादा देर अपना वक्त नहीं जाऊँगा, बस देखेंगे अंदर जाके फटाफट क्या है। तो इधर से हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं, सो इट्स लाइक ये फिर से एक बेहतरीन जगह बन जाती है सिपाहियों के लिए जो इधर से देख सकते हैं और उन पर एक्शन ले सकते हैं जो इधर से घुसना चाहते हो। इधर हर दरवाज़ा, हर सिपाही अपनी कोशिश कर रहा है कि महाराज के किले को बिल्कुल किसी और के हाथ में आने नहीं देगा। फॉग ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ वो शॉट्स, बट सच में एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, हर एक डोर पे, हर एक दरवाजे के ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ है जिसकी वजह से अगर एनिमी इंटर भी करना चाहे तो भी वो हार मानेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था ये रास्ता थोड़ा ज़िगज़ैग है, स्ट्रेट है, लेफ्ट है, राइट है, एकदम प्रॉपर नहीं है, तो वो रीज़न के हिसाब से इधर से अगर एनिमी इंटर करना चाहे तो उनके ऊपर कैनन शॉट्स, उनके ऊपर तीर के बाण, उनके ऊपर एरोस, गरम तेल, गरम पानी, जो भी उनके पास हो वो उनसे अटैक कर सकते हैं बस वही। बहुत ही खूबसूरत है पर डेंजरस भी है, क्योंकि इधर पत्थर गिर सकते हैं, एंड ये शायद से आई डोंट नो इसका फंक्शन क्या है, बट ये ओपन स्पेस है और इधर से भी दिखता है किला।
सो फॉग होने की वजह से और बारिश इतनी ज़्यादा होने की वजह से मेरा कैमरा धुंधला पड़ रहा है। तो मैं बस गाइस यही बोलना चाहता हूँ कि ये पहाड़ को डिफीट करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हर एक डोर के ऊपर आपको ऐसी खिड़कियाँ दिखेंगी एंड इसको ऐसा बनाया गया है, ऐसा बनाया गया है कि अगर नीचे से एनिमी आता है आपके ऊपर तो आप उसको हरा सके और उसका जीतना नामुमकिन हो। बस इसने सालों से काफ़ी डायनेस्टी, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो महाराज हो, चाहे वो और कोई डायनेस्टी के लोग हो, वो इधर आ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। बस भाई सो देख सकते हैं इतना खूबसूरत है ये, पर इधर ज़्यादा देर रहना छतरे से खाली है। बस भाई इसलिए मैं नीचे उतर रहा हूँ उधर से और आगे जा रहा हूँ। एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं आज एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, बोला ये पहाड़ को कवर करना आधे घंटे का काम है। आधे घंटे में या 45 मिनट्स में पूरा पहाड़ कवर हो सकता है, इट्स नॉट दैट टफ। एज आई टोल्ड यू, स्टेप्स चलना है, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट जगह। तो आइए एक्सप्लोर कीजिए और मजे उठाइए जगह की। सीरियसली ये फोर्स के वॉल, इसकी वाइब्स बहुत अलग है। सो वी आर गोइंग अप। एंड इधर से भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, इधर से ऊपर से फोर्ट का पार्ट दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉग होने की वजह से आप देख नहीं पा रहे। बस भाई और मेरा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है एक्सेसिव फॉग होने की वजह से। बाकी लोहागढ़ इज़ द बेस्ट फोर्ट आई एवर एक्सप्लोर्ड। इधर से भी आपको पूरा पहाड़ दिख रहा है। चादे को रख देते हैं नीचे एंड ये जो चांस ले रहा हूँ मैं, अब मत लीजिए क्योंकि ज़मीन पे है, इसकी सरफेस पे आलगे आपका पैर स्लिप हो सकता है और आप अपने हाथ पैर तोड़ सकते हो। बस भाई कंधा 40-50 सेंटीमीटर की हाइट से भी आप गिरते हैं तो भी कंधा डिसलोकेट होता है। सो इट्स ओके टू नॉट टेक दिस रिस्की शॉट, बट और शॉट लेने भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे भी कुछ दिख रहा नहीं है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। बस भाई तो उतरते नीचे हंसते हंसते करके, और मैंने बैग मेरा रखे है इसलिए मुझे कंफर्टेबल है, और मेरे साथ और भी व्यूअर्स हैं जो ओके बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लगा देख के। चलो कोई तो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है चैनल की, जिसको बोलते हैं ग्रैनरी धन्यकोटी। ये एक ऐसी जगह है जिधर सामान स्टोर किया जाता था। बस वही एंड ये पीछे से कुछ ऐसी दिख रही है और देखते हैं इसके अंदर क्या है। गाइस जब भी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा तो मैं लाइट मार रहा हूँ, लाइट मारूंगा तो ही आपको दिखेगा। ये एक जगह थी धन्यकोटी टाइप, लेकिन अभी इसमें भर गया पानी, तो ये चीज़ शायद से कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए रखी जाती थी, चाहे अनाज हो या कुछ भी हो। बस वही एंड जब भी हम इधर आएंगे तो हमको एक और धन्यकोटी दिखेगी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये, कितनी बड़ी है ये एंड इसमें से एक अलग ही धूल या कुछ आ रही है। और ये पानी आई डोंट नो पीने लायक है कि नहीं है, पर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, ऐसे पानी को मत पिए कीजिए, ये कंटामिनेटेड हो सकता है, आपकी सेहत के साथ मत खेलिए। और ये जो लोग कचरा करते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको कोई करते हुए दिखे तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बोलिए कि प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। बस वही तो ये थी धन्यकोटी। तो सबसे पहले इधर है हमारे पास नारायण दरवाज़ा, हमने गणेश दरवाज़ा देखे, सेकंड दरवाजे का नाम नहीं मालूम था, यूज़र ने बोला नारायण दरवाज़ा होगा बट वो नारायण दरवाज़ा नहीं था, नारायण गेट हमारे सामने है। एक यूट्यूबर से मैंने ये बोलते हुए सीखा था नारायण का मतलब होता है सन, सन को करते हिंदुज़म में पूजा एंड इधर से सन दिखता है तो वो हिसाब से गेट का नाम पड़ा है नारायण दरवाज़ा। वो ही इधर इंस्ट्रक्शन क्लियरली मेंशन किया गया है, इधर कुछ फ्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू नो। तो इधर ज़्यादा देर टूरिस्ट को ये जगह पे सीढ़ियों पे रुकना नहीं चाहिए। बस वही ये थी नारायण दरवाज़े की स्टोरी, हम चलेंगे आगे। और इधर भी हम लोग देखेंगे तो गेट्स नहीं है, वक्त ज़्यादा होने के कारण गेट्स खुल चुके, और ये
जगह होगी जिधर यू नो पहले के जो सिपाही थे वो विश्राम करते थे, बस वही। हम चलते आगे, आस्ते आस्ते आस्ते। इस कल्चर बड़ी खूबसूरत है, इतनी मेहनत से इनको कॉफ किया गया है। चलना आगे, इधर से भी कुछ व्यूज देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉग होने की वजह से हम कुछ नहीं देख पा रहे। तो सबसे पॉपुलर दरवाज़ा है जो, उसको हम लोग बोलते हैं हनुमान दरवाज़ा। क्या कहिए, हनुमान दरवाजे की जो खासियत है आप देख सकते हैं। तो ये हनुमान जी की छोटी छोटी प्यारी मूर्तियाँ इधर काफ की गई है। एंड ये जो गेट्स है, ये जो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस लाइक ये जो दरवाजे है, सो इसको हम लोग बोलते हैं वुडन, वुडन से बनाया, प्योर वुडन से। और इसके ऊपर जो नील्स हैं वो प्योर मेटल के। तो इसको इसलिए दिखाया जाता था, इसको इसलिए रखा गया था इधर कि जब भी कोई लोग, कभी कोई लोग, कोई यू नो जो एनिमीज हो वो इधर आए, तो अगर वो हाथी को या कोई भी बड़े जानवर को लेके आए तो ये वो दरवाज़ा तोड़ ना पाए और वो अंदर घुस ना पाए। ये स्ट्रैटेजी थी शिवाजी महाराज की, जिसकी वजह से ये फोन को डिफीट नहीं किया, बस वही। सो इधर ये ठीक है, यूज़ द स्टेप्स। दरवाजे के उधर से एक गैप है, उधर से मैं आया हूँ जस्ट, एंड मैं इधर आऊँगा तो ये पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा है। फॉग की वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहे। सो इधर जब हम चढ़ेंगे सो इधर से भी हम देख सकते हैं कि कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत है। तो स्टेप्स यूज़ करने को बोला गया है और आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी जो मैं भी कर रहा हूँ फिलहाल, बस वही गाइस। एंड मुझे गिर के अपने हाथ पैर नहीं तोड़ने, इसके लिए मैं रुक रहा हूँ थोड़ा। उधर सामने से लिखा गया था यूज़ द स्टेप्स, फिर भी मैं थोड़ा ऊपर चल रहा हूँ बॉर्डर्स पे टू टेक परफेक्ट शॉट। ये मेरे सामने जो है वो एक दरगाह है। सो गाइस आपको ये सब चीज़ें इधर देखने मिलेंगी, लक्ष्मी कोटी, दुर्गा, आई डोंट नो क्या था, दुर्गा घोड़िया छा पागा एंड किले समथिंग। सो बस वही। सो दिस इज समथिंग स्पेक्टेकुलर चीज़, अगर मैं बोलूँ तो इट्स कॉल इज दरगाह। एंड देख के अच्छा लगता है कि इतना होने के बावजूद भी जो शख्स थे इसके अंदर वो अभी भी इधर है। महाराज के लिए रिस्पेक्ट है कि वो यू नो वो औली अकराम लोगों के लिए भी अभी तक उन्होंने रखे। नॉर्मली ऐसा देखने नहीं मिलता है बट अच्छा लगा। सो ये दरवाजे का पीछे का हिस्सा दरगाह का, एंड इट्स ब्यूटीफुल दरगाह। एंड इधर थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे तो मैंने जैसा आपको बोला था कीचड़ है थोड़ा संभालिए। सो दिस इज द वाटर टैंक, एंड बहुत ही क्लियर वाटर है ये, लेकिन आई डोंट नो ये पीने लायक है क्या नहीं है, बस वही। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं और हम लोगों को क्या क्या मिलता है। ये है हमारा हॉर्स टेबल, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। ये जो है बड़ा ही खूबसूरत है, मैं छाते को मेरे बाहर रखा हूँ। मुझे एक ही दादा ने बोले थे कि आप थोड़ा संभालना, छाता लेके मत जाना वरना टूट फूट जाएगा। और ये मैं लाइट मार के आपको दिखा रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, आगे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि चमगादड़ है थोड़े, आपको तो नहीं मुझे तकलीफ़ हो जाएंगी इसके लिए। और ऐसे छोटे छोटे गड्ढे, मुझे बस ये अंदाज़ा है कि घोड़ों को इधर बांधा जाता रहूँगा। एंड ये जो चीज़ें है आपको दिख रही है, ये पॉन्ड छोटे छोटे, इसमें उनका शायद से खाना रखा जाता हो और वो लोग खाते हो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसा करके आमने सामने, बस वही। बहुत ही खूबसूरत है, पहले की जो चीज़ें थी वो बड़ी प्यारी थी और अभी ऐसी चीज़ें देखने मिलती नहीं है, बस वही। तो गाइस
ये रास्ता थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा रिस्की हो जाता है हॉर्स टेबल के बाद। जैसे हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं तो इट बिकम्स डेंजरस। आई डोंट नो आगे क्या है, बट ये पैच हो रहा है थोड़ा डिफिकल्ट। और इधर आएंगे तो थोड़ा संभल के आना क्योंकि स्लिपरी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जख्मी हो जाए, आप लोग या मैं जख्मी हो जाऊँ, बस वही। एंड ये बड़ा खूबसूरत है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी कोटी। तो गाइस मैं आपको ये लक्ष्मी कोटी दिखा रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है, और कभी इधर कुछ होता था। तो गाइस मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्या जगह आप देख रहे हैं, ये जगह महाराज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको बोला जाता है लक्ष्मी कोठी। कोठी मतलब कोई जगह को स्टोर करने के लिए, लक्ष्मी मतलब धन, दैट्स मनी, और यू नो जो चीज़ ऐसी कुछ चीज़ जो बेहतरीन हो। छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले इधर अंदर जा सकते हो। सो मैं अंदर से आपको लक्ष्मी कोठी दिखाऊंगा। कभी भी लक्ष्मी कोठी में जाइए तो आपको एक काम करना है, आपको आपके चप्पल उतार देना है क्योंकि अच्छी बात नहीं है, बस वही। सो इधर बहुत सारे दरवाजे हैं, एंड इधर नारियल है, इधर भगवान की मूर्ति है जैसा आप देख सकते हैं, और बस वही। सो इसके लिए थोड़ी बहुत रिलीजियस प्लेस भी है, इसके लिए प्लीज़ ऐसी जगह पे आइए तो कभी भी आप अपने जूते उतार के आइए, ये मेरे से आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। हम इधर जाएंगे तो इधर हमको वही एम्प्टी रूम्स, इधर जाएंगे वही एम्प्टी रूम्स। चमगादड़ है इसके लिए मैं चांस नहीं लेना चाहता। चमगादड़ जिधर दिखे उतने जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके आंख पे आ जाएंगे बस। सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इधर कुछ छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं और इधर भी चमगादड़ है। तो ये एक रूम, दो रूम, ये तीन रूम, ये चार रूम, पाँच रूम। लक्ष्मी कोठी के अंदर पाँच रूम है, इसके अंदर थोड़ा बीच के रूम में और जाएंगे तो एक और अंदर रूम है, फिर एक आपको बस ये दिखा रहा था। आपको ये बोलना चाहता हूँ, लक्ष्मी कोठी के आगे एक और रास्ता था जाने का, अनफॉर्चुनेटली वो रास्ता बंद कर दिया गया। उधर एक गार्ड बैठे और वो गार्ड ने हम लोग को इधर से जाने के लिए बोले क्योंकि इट्स रिस्की। आप देख सकते हैं इधर असल में कैसा होता है ना, मानसून हो ना हो, हवाएं बहुत तेज़ दौड़ती है, तो कुछ हादसा ना हो इसके लिए मैंने आपको गाइस बोला था। ये है महादेव टेम्पल, एंड टेम्पल के बाजू में एक पॉन्ड है। 16-sided tank, 16-sided tank का मतलब माँ कसम भाई, भाई साहब सब लोग पानी पीते रहेंगे इसमें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो टैंक है इतना बड़ा है, दिमाग लग गया मेरा। तो गाइस मेरे को एक और दरगाह दिख गई ऊपर साइड पे। एक दरगाह मैंने पहले दिखाया था, एक दरगाह अभी दिखा रहा हूँ, ये ओपन दरगाह है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको विंचू गाड़ा दिखाऊंगा। इधर आइए, ये लिखा है विंचू गाड़ा, ठीक है। थोड़ा हम नीचे जाएंगे, विंचू गाड़ा हैज बीन क्लोज ड्यू टू दी हैवी रेन, ज़्यादा बारिश होने की वजह से विंचू गाड़ा को बंद कर दिया गया है। और ये रहा विंचू गाड़ा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डोर है, ये डोर के अंदर से आपको इधर से आराम से उतरना है नीचे। तो गाइस इधर से आपको आराम से उतरना है, चांस हो सकता है स्लिप होने का, एंड बस इधर से आस्ते आस्ते जाने का आपको आगे, और आगे के बाद थोड़ा फॉग है, आपको दिख नहीं पा रहा है वो, और मुझे भी दिख नहीं पा रहा है, बस वही। तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अथॉरिटीज़ ने गेट को क्लोज कर लिया है बारिश के। सो आज के लिए इतना ही गाइस, अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोगों ने विंचू गाड़ा भी कवर कर लिए जो कि इम्पॉसिबल था, कुछ लोग आए थे वो लोग चले गए, उनको फॉक्यू चीज नहीं दिख रहा था, मैं हिम्मत जुदा के अकेला था फिर भी आया, कोशिश किया जाने की, पर मैं गवर्नमेंट की रूल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसके लिए मैं इसको ट्रेसपासिंग नहीं करूंगा और इधर से आगे नहीं बढ़ूंगा, बस भाई। तो मैं ब्लॉग इधर ही समाप्त करता हूँ, कंटेंट अच्छा लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक।